बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मियां मोहम्मद आसफ़ अशरफी मियां रफीक हिस्टोरिकल चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आप जो घर देख रहे हैं इसका रकबा है 2.5 मरले, रजिस्ट्री इंतकाल है, बिजली पानी गैस और नहर के बिल्कुल करीब है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन। ये टेरेस है और ये इसका मेन गेट और ये ड्राइंग रूम टीवी रूम की विंडो है और ये इसका कार रैंप है और ये पौधों के लिए इन्होंने क्यारी बनाई है। रोड पक्का है। आए मैं अंदर से जाके आपको प्रॉपर व्यू चाहता हूँ और पूरे घर की तफसील आपको बताता हूँ। आए चलते हैं। बिस्मिल्लाह या अल्लाह का शुक्र। यहाँ भी देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत गिराव आप देख सकते हैं। पैनल बॉक्स लगा हुआ है, सेपरेट पैनल बॉक्स है, ऊपर का अलग है नीचे का अलग है। खूबसूरत मार्बल के साथ ऊपर फॉल सीलिंग चेक करें, माशाल्लाह खूबसूरत इसकी फॉल सीलिंग है, सिंपल और डिसेंट। सीढ़ियाँ बाहर से ही सेपरेट है। ये देख रहे हैं ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये दरवाजों का डिज़ाइन भी आप चेक कर लें, माशाल्लाह खूबसूरत मार्बल लगा हुआ है। ये विंडो है एलुमिनियम की, जो मैंने आपको बाहर से दिखाई ये सेफ्टी की लगी हुई है। यूपीएस और केबल की वायरिंग मुकम्मल मौजूद है। इसकी फॉर सीलिंग चेक करें, खूबसूरत इसकी फॉर सीलिंग है। ये सामने देखे ना, किचन है माशाल्लाह खूबसूरत किचन, खूबसूरत मार्बल के साथ उनका काम आपके सामने है माशाल्लाह खूबसूरत उनका काम है। सैनिटरी का सामान उन्हें लगा के देगा, कैबिन आपके सामने बने हुए हैं, फूड वगैरह ये ओपन एरिया रोशनी हवा के लिए लगी हुई है। इसकी फारसी चेक करें, ये आपने देख ली किचन। अब मैं इसका आपको बेडरूम दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत मार्बल के साथ डिज़ाइन किया गया है। सामने बड़ी अलमारी, दीवारों पे पेंट खूबसूरत पेंट किया गया है और ये इसकी फारसी छत तक कर माशाल्लाह खूबसूरत इसकी फार सीलिंग है। या आप देख सकते हैं कि उस एसी के लिए उन्होंने ड्रेन का पाइप और वायरिंग वगैरह करा दी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह। ये इसके साथ अटैच बात है, ये देख सकते हैं आप खूबसूरत घर के साथ बोर्ड लगा हुआ है। सैनिटरी का सामान ओनर आपको लगा के देगा। ये आप देख रहे हैं ये विंडो रोशनी हवा के लिए और इस बेडरूम में भी ये विंडो है रोशनी हवा के लिए। ये आप देख सकते हैं इनके सारा घर रोशन और हम आ जाएगा। ये आपने देख लिया है दोनों फ्लोर। अब मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर वो दिखाता हूँ। मैं चलते हैं फर्स्ट फ्लोर। सीढ़ी मैंने आपको बताया था बाहर से सेपरेट है, इनके ये गिराज है और गिराज से ही सीढ़ी सेपरेट है। ब्लैक मार्बल लगा हुआ है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत सील की ग्रिल लगी हुई है। अल्लाह अल्लाह आए अब ऊपर चलते हैं। अल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत और बड़ी सीढ़ी हैं, खुली सीढ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के फजल से फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। ये देखें यहाँ से हम नीचे से आए हैं और ये सीढ़ियाँ बाहर से सेक्टर खाली सेक्टर जा रही हैं। और ये देखें ऊपर का पैनल बॉक्स बिल्कुल अलग है और ये देख सकते हैं सीढ़ी में खूबसूरत डिशे बनी हुई हैं। इसकी फार सीलिंग चेक करें, ये ठीक हो गया। अब अंदर से चलते हैं, देखें माशाल्लाह खूबसूरत मार्बल के साथ। ये इसका टीवी रूम और किचन ओपन ही है, ये देखें ओपन का ओपन और सेपरेट का सेपरेट है। खूबसूरत का काम ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। और ये देखें खूबसूरत फॉर सीलिंग,
एक बेडरूम सामने है, किचन आपने देख लिया, विंडो है रोशनी हवा के लिए, और एक बेडरूम के सामने है बिल्कुल, उसमें भी खूबसूरत मार्बल लगा हुआ है, दीवारों पे खूबसूरत पेंट, और ये इसकी फार्सिंग चेक करें, और ये देखें जैसे नीचे बड़ी अलमारी थी वैसे ही ऊपर हमने बड़ी अलमारी बना दी है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये ओपन एरिया रोशनी हवा के लिए विंडो लगी हुई है, ये ड्रेन का पैप और एसी की वायरिंग ओके है, केबल वगैरह यूपीएस की वायरिंग भी एक मालिक ने करवा दी है, ये देख सकते हैं। ये देखें ये ऊपर वाला वाशरूम है, यहाँ भी कमोड है, ये देख सकते हैं खूबसूरत गाड़ी के साथ सैनिटरी का सामान ओनर आपको लगा के देगा, ये देख सकते हैं। ये देख विंडो रोशनी वाक लिए ग्लास का पॉइंट, और ये आप देख रहे हैं इसकी फारसी। अब मैं आपको जो सामने बेडरूम में वो दिखाता हूँ, ये देखें इस बेडरूम में माशाल्लाह खूबसूरत मार्बल लगा हुआ है, सामने दो विंडो है एलुमिनियम की, रोशनी हवा के लिए खूबसूरती में इजाफा कर रही है, और ये देखें इसकी फारसिंग माशाल्लाह खूबसूरत इसकी फारसिंग है, और ये इसके साथ अटैच बाथ है, और ये आप देख सकते हैं कि हर बेडरूम में एसी और ड्रेन का पाइप ओडर का पॉइंट रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसका वाशरूम यहाँ बनाया हुआ है, देख सकते हैं सैनिटरी का सामान ओनर आपको लगा के देगा खूबसूरत टाइल के साथ, ये देख सकते हैं विंडो रोशनी हवा के लिए इसकी फासिंग चेक करें। अब मैं आपको इसका जो टेरेस है वो दिखाता हूँ, ये देखिए लोहे का मजबूत खूबसूरत गेट लगा हुआ है, ये इसका छोटा सा टेरेस है, डस्ट पड़ी हुई है साफ होने वाला है, ये देख सकते हैं खूबसूरत टेरेस, गली का व्यू चेक करें, गली के आसपास जो घर बने हुए हैं खूबसूरत घर बने हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों का प्रॉपर विजिट कर लिया है, अब मैं आपको इसकी जो फाइनल छत है वो दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ बाहर से सेपरेट हैं, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत सीढ़ियाँ, अल्लाह जी की दीवार है, ये देख सकते हैं आप ब्लैक मार्बल के साथ, और ये स्टील की ग्रिल, अल्लाह ये देखें माशाल्लाह, ये स्टोर पे आ गए हम, ये इसकी फाइनल छत है माशाल्लाह खूबसूरत, ये इसकी फाइनल छत है, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, नहर से इतना नज़दीक है कि आपको ये बिल्कुल नहर, ये गाड़ियाँ चलती नज़र आ रही हैं, बिल्कुल घर के सामने नहर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है नहर के बिल्कुल करीब है, और ये देखे माशाल्लाह इसकी छत बड़ा आपको दिखा रहा हूँ, ये इसकी ममटी है खूबसूरत ममटी, और ये आप देखें माशाल्लाह खूबसूरत खुली छाता छत है, ये पानी का टैंक है, और ये ओपन एरिया आपको मैंने दिखा दिया। जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये घर बहुत पसंद आया होगा, आप एक मरतबा इसका ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। दोस्तों मेरी दुआ है कि जिनके पास अपना घर नहीं है अल्लाह ताला उनको अपना घर अता करे, और जिनके पास अपना घर है उनको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की अल्लाह तफीक अता फरमाए। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आपका दोस्त मियां मोहम्मद आसिफ अशरफी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।